हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज के इस वीडियो में हम लोग पीएमसी एमडी कैट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पीएमसी के प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली ही एक मीटिंग कंडक्ट की गई है और मीटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर। उसके हवाले से आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं और ये मीटिंग किसके साथ कंडक्ट करवाई गई थी और क्या एमडी कैट प्रोवेंशली कंडक्ट करवाया जाएगा, और अगर प्रोवेंशली कंडक्ट करवाया जाएगा तो क्या अहदामात यानी क्या डिसीजंस लिए जाएंगे इसके रिलेटेड, और आपको क्या सिलेबस फॉलो करना चाहिए, और बहुत सी अपडेट्स आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो आपने इस वीडियो को प्लीज़ मस्ट देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आप कोई किसी किस्म का ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप स्किप कर जाएं, ठीक है। और अगर आप तो कोई बात नहीं समझ आती तो आई एम आस्किंग इट अगेन एंड अगेन डैट यू आर फ्री टू आस्क इट वीम इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको ये बात बताते चलें कि पीएमसी के प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली ही सिंध के हेल्थ मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की थी, एक मीटिंग रखी थी, ठीक है। उस मीटिंग में जो डिसीजंस हुए थे और जो बात हुई थी वो आपके साथ क्लियरली डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि पीएमसी के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है इस मीटिंग के अंदर कि जो पीएमसी है आपका, जो एमडी कैट का टेस्ट है, वो प्रोवेंशनली कंडक्ट किया जाएगा, यानी वन सिंगल डे में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि आपका एमडी कैट टेस्ट नेशनली कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर सबका टेस्ट डिफरेंट डेट्स पर होगा। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि हर एक बच्चे का टेस्ट एक ही डेट में होगा, ठीक है। ये डिपेंड कर सकता है कि प्रोविंसेस किस तरह से अपना एमडी कैट है उसको किस तरह से स्केजुअल करते हैं, ठीक है। ये बात अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है पीएमसी के, उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर नहीं किया, क्योंकि आपको बेहतर तरह से पता है कि जो पंजाब के प्रोविंसेस होते हैं उसमें जो एमडी कैट का टेस्ट अगर प्रोविंशनली कंडक्ट किया जाता है तो वो यूएचएस के अंडर होता है, ठीक है। और अगर दूसरे हम लोग प्रोविंसेस की बात करें तो उसमें दूसरे एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो कंडक्ट करवाती हैं एमडी कैट। लेकिन अभी ये चीज़ श्योरिटी में हो चुकी है, ठीक है, कि आपका जो एमडी कैट है वो प्रोविंशनली ही कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी वन सिंगल डे में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और आपको एक और बात भी बताते चलें, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है वो मिड ऑफ द नवंबर है वो ले लिया जाएगा, यानी कंडक्ट करवा दिया जाएगा, यानी ज़्यादा डिले नहीं करवाया जाएगा। तो आपको ये भी बात बताते चलें कि आपका जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है, आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम मिड ऑफ द नवंबर हो सकता है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, और ये चीज़ नोटिफिकेशंस आ रही हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आप बात आपके साथ शेयर करते चलें कि पीएमसी ही फ़िलहाल एग्जिस्ट कर रही है। आप जो पीएमसी और पीएमडीसी के दरमियान में जो आप करते हैं कंपैरिजन करते हैं कि पीएमडीसी कुछ कहते हैं पीएमडीसी आ जाए, कुछ कहते हैं पीएमसी ही रह जाए, तो पीएमसी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है आपका, यानी एमडी कैट का एग्ज़ाम है वो पीएमसी के अंडर ही कंडक्ट करवाया जाए। इसके अलावा आपको पीएमसी के जो डिसीजंस है इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंफॉर्मेशन और एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट देते चलें कि क्योंकि आपका पीएमसी का जो टेस्ट है, ठीक है, आपका एमडी कैट का जो टेस्ट है वो चूंकि आप प्रोविंशनली कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आपका जो क्योंकि सिंगल वन सिंगल डे में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो जो आपका एमडी कैट का एग्जाम है वो फिजिकली कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी आपको कॉपी पेंसिल पर अपना टेस्ट देना पड़ेगा, यानी आपको बबल शीट्स फिल करनी पड़ेगी। तो आप इस लिहाज से भी मेंटली प्रिपेयर हैं कि आपको बबल शीट्स फिल करनी आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप एमडी कैट के लिए तो फुल तैयार हूँ लेकिन आपको बबल शीट्स फिल ना करनी आती हो। तो आप इसका भी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि आपको बबल शीट्स कैसे फिल करनी है, यानी आपको बबल शीट्स फिल करनी आनी चाहिए। ये भी एक बहुत मेन फैक्टर है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा रेस किया गया है, क्योंकि आपका एमडी कैट का टेस्ट अब फिजिकल होने जा रहा है और अब आपका एमडी कैट का टेस्ट टैबलेट्स पर या फिर ऑनलाइन नहीं किया जाएगा बल्कि फिजिकल ही कंडक्ट किया जाएगा। और अगर हम लोग पीएमसी की फर्दर लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करें तो पीएमसी ने चूंकि एमडी कैट के टेस्ट को प्रोविंशनली कंडक्ट कर दिया और सबका एग्ज़ाम चूंकि एक ही दिन होगा, तो अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस भी वही रहेगा, यानी क्राइटेरिया सब कुछ वही रहेगा, आपका जो एमडी कैट सिलेबस 2022 था वही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ पीएमसी का एमडी कैट का एग्ज़ाम है वो प्रोविंशनली कंडक्ट करवाया जाएगा लेकिन सिलेबस आपका वही रहेगा। और आपको ये भी बात बताते चलें कि आपको क्राइटेरियाज भी वही रहेंगे, यानी पासिंग परसेंटेज भी 55% फॉर एमबीबीएस एंड 45% फॉर बीडीएस, और क्राइटेरियाज और सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ प्रोविंशनली कंडक्ट करवाया जाएगा। ये भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ है।
इसके साथ साथ आपको ये भी बात बताते चलें, क्योंकि पीएमसी ने टेस्ट आपका प्रोविजनली कंडक्ट करवाना है और सबका एक ही दिन होना है, तो मेरिट कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले साल था। जैसे 50% आपका एमडी कैट की वेटेज होगी, 40% आपकी एफएससी की वेटेज होगी और 10% आपकी मैट्रिक की वेटेज होगी। ठीक है, इस तरह से वेटेज करके आपका एग्रीगेट फार्मूला कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देते चलें, क्योंकि और इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे फिर पूछेंगे कि वेदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की वेटेज ली जाएगी या फिर ओवरऑल एफएससी की दी जाएगी, तो इसके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशंस नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगी कि वेदर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एफएससी में से मार्क्स लिए जाएंगे या फिर आपके ओवरऑल एफएससी में से लिए जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रिपीटर्स भी अप्लाई करने हैं और फ्रेशर्स भी अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए भी आपको अप टू डेट देते चलेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो कोई अच्छा सा कमेंट भी कर देना है। ठीक है, आपको बहुत लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर किए हैं और इसके अलावा भी आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल नाउ। अल्लाह हाफिज़।